जालना जिले में कोतवाल पद के लिए परीक्षा दे रहे छात्रों की बीच नकल का मामला सामने आया है। दरअसल जालना जिले में 19 परीक्षा केंद्रों में 5,500 छात्र कोतवाल पद के लिए परीक्षा दे रहे थे। इसी दौरान अपराध शाखा की पुलिस उप निरीक्षक रामेश्वर खनाल को परीक्षा में हो रही नकल की जानकारियां मिली। पुलिस उप निरीक्षक रामेश्वर खनाल ने अपनी टीम के साथ में इस मामले की जांच की। तब उन्होंने जालना के इंदिरा गांधी परीक्षा केंद्र पर 5 परीक्षार्थी को डिजिटल डिवाइस के माध्यम से नकल करते हुए पकड़ा है। पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तहसीलदार हे स्वतः सेंटरवरती गेले होते जेणेकरून मध्यंतरी कुठे पेपर लीक होऊ नये। तसेच त्याच पद्धतीनं सील आहे तेही व्यवस्थित केलं होतं। हे काही लूज पेपर किंवा एकही क्वेश्चन पेपर लूज राहणार नाही याची दक्षता घेतली। तर असं इतंभूत पेपर केंद्रावरती पोहोचेपर्यंत सर्व प्रकारच्या दक्षता ह्या घेतल्या होत्या आणि त्या पद्धतीने कुठेही पेपर लीक झाल्याची माहिती किंवा तक्रार कोणत्याही प्रकार त्याच्यामध्ये आढळला। परंतु जेव्हा 3 केंद्रावरती पेपर पोहोचला, 3 मुलांच्या पेपर ऍक्च्युअल सुरुवात झाली। 2 साधारणतः केंद्रा 2:15 केंद्रावरती पोहोचला। 15 अगोदर तो केंद्रप्रमुख आणि त्या ह्याच्याकडे मिळतो, मुलांच्या स्वाक्षरी घेऊन ते त्यांच्या समोर ओपन केलं जातं। ओपन केल्यानंतर पेपरला सुरुवात झाली आणि तेव्हा काही ब्लूटूथ डिवाइस